वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्योंकि अगर वैल्यूएशन की जाए तो मार्केट कैप उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है। जैसा आपने कहा कि जो रिवेंज ट्रैवल चल रहा है, लोग वेकेशन पे आंख बंद करके जा रहे हैं, एवरेज होम रेंट जो टैरिफ था उससे भी कहीं कहीं प्रीमियम पे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट टैरिफ में बिक रहा है, कहीं तो डिस्काउंट नहीं है, तो नंबर्स बेहद अच्छे आने वाले हैं। इंडियन होटल्स ने अच्छे रूम एक्सपेंशन के भी मंशा जताई थी कुछ दिनों पहले मैनेजमेंट कमेंट्री में। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा ब्रांड है, बिल्कुल यहाँ पर आपको लॉन्ग रहना चाहिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स इंडियन होटल्स में डेफिनेटली है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड भी साबित हुआ है। अच्छे, जाते जाते कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, पिछले आधे घंटे में 5% से ज्यादा की चाल इसकी मजबूत हो गई, 8% भाग गया स्टॉक। मेट्रोपोलिस, इनफैक्ट डायग्नोस्टिक काउंटर्स की खूब धुलाई हुई थी, यहाँ पर एक पुलबैक देखने को मिल रहा है। पीबी फिनटेक 12% ऊपर है। जिंदल स्टेनलेस 7% ऊपर। डीसीएम श्रीराम में 6.5% तक का इजाफा। RBL बैंक जैसे काउंटर्स, भेल जैसे काउंटर्स और होटल्स की हम बात करें तो EIH भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि इस घंटे यहाँ पर पोजीशंस अक्यूमुलेट होती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर जाते जाते लोगों ने अपनी पोजीशंस थोड़ी सी और मजबूत की हैं, ये कैश वाले ट्रेड्स हैं, आप गौर करिएगा। लेकिन जो फ्यूचर्स के ट्रेड हैं उनमें वही काउंटर्स हैं जो सुबह से चले थे, लेकिन एक स्टॉक जो काफ़ी दिनों बाद तेजी दिखा रहा है वो है ट्रेंट का, 1087 के लेवल्स। समित, इस पर अगर आपकी नजर गई हो, 5% के गेन स्टॉक प्राइस में, ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी करीब करीब 5% के आसपास का है, ये जो मूव आ रहा है ये कितना सस्टेनेबल है और क्या अगले हफ्ते चल पाएगा ये काउंटर? देखिए, पॉसिबिलिटी है ये रीओपनिंग के चलते काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि वापस से एक अच्छा रुझान आ रहा है। पीवीआर अगर हम देखें तो पीवीआर में एक स्ट्रेंथ है। ट्रेंड अगर देखें तो एक अच्छे करेक्शन के बाद उसके मल्टी मंथ सपोर्ट के आसपास ये लगभग 2 हफ्ते से कंसोलिडेट हो रहा था, तो इम्पॉर्टेंट था ये स्टॉक का 1000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ब्रीच ना होना, और वो वहाँ पर उसने डिफेंड किया। और आज की जो मूव है वो इंडिकेट करती है एटलीस्ट नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक 1140 1160 तक के मूव एक्सटेंड करेगा, तो हमारा बायस पॉजिटिव है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। और 1050 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल पे भी ये खरीदा जा सकता है, और यहाँ से 1140 1160 के लेवल्स प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट वीक में फर्स्ट हाफ तक मिल सकते हैं। ओके, तो 1140 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक फर्स्ट हाफ, यानी कि बुधवार तक वो गेन्स आने के पूरे पूरे संभावना। अच्छा, वेरी क्विकली कविता, ये लोढ़ा पर एक व्यू देंगी, लोढ़ा में आज 10% की तेजी उस खबर पर आई कि जेफरीज दरअसल यहाँ पर अपना एक्सपोजर बढ़ा रहा है, वेट इंक्रीज कर रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में वर्सेस गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहाँ पर उनका एक्सपोजर कुछ कम होगा। लेकिन 991 पर आ चुका है स्टॉक, डे हाई पर क्लोज तो हो रहा है, अगले हफ्ते क्या लेवल्स आ सकते हैं? ये साजदा जी, सो अपनी 20 डेज एसएमए को इसने रीगेन किया है विद मोरोबोजो इस खबर के बाद, एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं हम, जो कि वॉल्यूम के साथ हुआ है।